सत श्री अकाल जी, सारियां नूं स्वागत करदी आं। मैं तुहाडा अपने चैनल मैथ विद सुमनप्रीत कौर ते मैं हाँ सुमनप्रीत कौर। अज दी इस वीडियो दे विच असीं कंप्यूटर दे नाल रिलेटिड कुछ इंपोर्टेंट MCQ करन जा रहे हाँ। जिहड़े भी स्टूडेंट सब इंस्पैक्टर दा एग्जाम देण वाले ने, उहनां नूं 30 नंबर दा कंप्यूटर आउणा है। ते अज दी इस वीडियो दे विच हो सकदा तुहानूं MCQ टफ लगन, पर इस दे विच असीं एडवांस लैवल ले आए, क्योंकि तुहानूं वी पता है कि तुहाडा पेपर PSSB बोर्ड कंडक्ट करन जा रहा है। तो उस दे विच की आ कि तुसी ज़्यादा दूर जाने की लोड़ नहीं, तो 9 अक्टूबर नूं ही तुहाडा FCI का एग्जाम होकर हटिया स्टूडेंट्स का। तुसी उन्हों ही देख सकते हो कि 8th बेस्ड एग्जाम कितना हाई लैवल का आया सी। ठीक है, तो यह ना सोच के चलो कि तुहाडा एग्जाम बहुत ईजी होगा, तुहाडा एग्जाम आ जिहड़ा बहुत ज़्यादा टफ होने वाला है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए असीं अज दी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। जेकर तुसीं सब इंस्पैक्टर का एग्जाम देने वाले हो तो कंप्यूटर के जो भी इंपोर्टेंट MCQ मैं हुण तक तुहानूं करवा चुकी हाँ, देखो 170 असीं कर ले ने, उन्हां नूं जरूर कवर करो। तो इस तों इलावा जिहड़े स्टूडेंट्स जिवें अद्धिआं ने सोचा हो कि 30 नंबर का कंप्यूटर होना, असीं उस चों 15 नंबर ही लैने आ, मतलब उन्हां दा टारगेट आ कि उन्होंने अचीव करने ही करने आ। तो उन्होंने लिए मैं तुहानूं दस देना चाहुंदी हाँ कि 150 नंबर के MCQ असी जो पहला करवाए ने, फुल वीडियो भी बनाई है मैं उन्होंने कंबाइन करके, तुसी वो जरूर देखनी आ, क्योंकि उस तो बाद तुहानूं हो सकता उस दे विचों तुहानूं 7 तो 8 नंबर का पेपर आ सकता। ठीक है, असी 10 दा अंदाजा नहीं लगाते, वैसे तो 10 भी आ सकता है श्योर हाँ, पर फिर भी अंदाजे के अकॉर्डिंग जेकर असी एवरेज की गल करिए 7 तो 8 है उस दे विचों आउण दी। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 1 तुहानूं दित्ता है, इन्हां विचों किहड़ा सी भाषा विच एक ठीक डाटा टाइप नहीं है। हाँ जी, सी लैंग्वेज दे विच इन्हां दे विचों किहड़ा डाटा टाइप आ जिहड़ा कि सही नहीं आ, कैर। ऑप्शन नंबर उड़ा इज़ द राइट आंसर। जिहड़ा कैर डाटा टाइप आ, है की आ कैर जानी कि करैक्टर डाटा टाइप। ठीक है, करैक्टर डाटा टाइप लई कैर कीवर्ड का ही प्रयोग किया जाता, यह मैमरी दे विच 1 बाइट की जगह लेंदा वा। तो डाटा कैर कॉन्सटेंट या स्ट्रिंग कॉन्सटेंट हो सकता, करैक्टर कॉन्सटेंट वो होंदा वा, कैर मतलब करैक्टर ही आ, मैं बोल रही हाँ इतने। ठीक है, करैक्टर कॉन्सटेंट वो होंदा है जिस विच कोई भी इकला करैक्टर डबल कोट्स विच लिखा जाता है। ठीक है जी, जिमें करैक्टर ए इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, एक ही है डबल कोट बन जाता, मैं लिख के भी दस दिनी हाँ, करैक्टर ए इज इक्वल्स टू वाई। ठीक है, डबल कोट बन जाता। नैक्सट क्वेश्चन, इन्हां विचों केड़ा सी अरथमैटिक ओपरेटर नहीं है। हाँ जी, इन्हां दे विचों केड़ा सी अरथमैटिक ओपरेटर नहीं है, तो अरथमैटिक ओपरेटर नहीं है एंड द निशान। ऑप्शन नंबर आड़ा इज द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, ओपरेटर परसेंटेज नूं ओपरेटर प्रतिशत नूं लागू किया जा सकता है। हाँ जी, ओपरेटर प्रतिशत नूं किस दे विच लागू किया जा सकता, इंटैग्रल वैल्यूज दे विच। ऑप्शन नंबर ईडी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, निम्नलिखित विचों केड़ा टाइप इंट का सही पूर्ण अंक नहीं है। हाँ जी, निम्नलिखित दे विचों केड़ा टाइप आ जिहड़ा इंटैग्रल का सही पूर्ण अंक नहीं गा, माइनस वाला। ऑप्शन नंबर ईडी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, सी लैंग्वेज दे विच टाइप इंट का सही पूर्ण अंक केड़ा नहीं है। हाँ जी, सी दे विच टाइप इंट दा केड़ा पूर्ण अंक सही नहीं गा, इन्हां दे विचों मतलब इन्हूं पंजाबी च असी अंक बोलते हाँ। ठीक है, इन्हां दे विचों जे असी गल करिए, देखो जिहड़े इंट आ इह पूर्ण अंक हुंदे आ, जानी कि इंटीजर इंट बोल दिंदे आ इन्हां नूं, इह की हुंदे आ पूर्ण अंक। एक पूर्ण अंक इदां दा नंबर हुंदा जिहदे विच दशमलव दा प्रयोग नहीं कीता जांदा, इस नूं इंट कीवर्ड राहीं ही दर्शा सकते हाँ असी। देखो इसका साइज़ 2 बाइट का हुंदा वा, इस विच असी पॉजिटिव जां नैगेटिव अंकां नूं लै सकते हाँ, जरूरी नहीं गा कि उस माइनस जे असी इसे लई लिया वा, इस विच जिवें असी कौमे की वरतों नहीं कर सकते। ठीक है, जिवें असी इस दे विच -2 लिखना होवे, -2 -2 4 6 +4 7 ये 2 तरह के होंगे है। ठीक है, इन्हां नूं असी की बोल सकते हाँ, इन्हां नूं असी बोल सकते हाँ इंट जानी कि अंक। ठीक है, ये 2 तरह के होंगे है, एक शॉर्ट इंट ते एक लोंग इंट। ये जिहड़े शॉर्ट की गल करिए 2 बाइट्स की जगह लेंदे आ, लोंग की गल करिए 4 बाइट्स की जगह लेंदे आ। हुण जिहड़े तुहाडे कोले इन्हां दे विचों ने बोलिया किहड़ा पूर्ण अंक सही नहीं गा, तो ऑप्शन नंबर ईडी है जिहड़ा, ये साडे कोले सही नहीं गा।
ठीक है जी। नैक्सट क्वेश्चन, इन्हां विचों किहड़ा सी भाषा विच इक राखवां शब्द नहीं है। हाँ जी, सी लैंग्वेज दे विच इन्हां दे विचों किहड़ा एक राखवां शब्द नहीं गा। डू ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर। गो टू स्विच, ये सारे सी भाषा दे विच राखवें शब्द आ। नैक्सट क्वेश्चन, हाँ जी, 5/6/3 + 8/3 दे एक्सप्रैशन का की मुल होगा। हाँ जी, 5/6/3 + 8/3 दे एक्सप्रैशन का मुल होगा 2। ऑप्शन नंबर आड़ा इज़ द राइट आंसर। देखो इतने तुहानू एक नवा वर्ड देखने को मिले एक्सप्रैशन। एक्सप्रैशन की होंगे आ कि एक्सप्रैशन, देखो जिवें असी ओपरेटर्स बारे पढ़ते हैं, ओपरेटर्स की होंगे कि ये असी गणित दे कुछ मतलब गणित दे कुछ साइन वरतते हैं, ठीक है, कुछ मुल्लों की गणना करते हैं जिवें कह सकते हैं। पर एक्सप्रैशन एक फॉर्मूला वा जो एक तो बाद ओपरेंड्स दे बने होंगे आ, ते जो इन्हां दे मुल मतलब असी हल करते हैं वह भविख दे विच भी वरतन दे योग होंगे आ, ठीक है, वेरीएबल दे विच स्टोर किए जाते हैं, तो सारे काम असाइनमेंट स्टेटमेंट के द्वारा किए जाते हैं। हुण देखो असी गल की आ कि एक्सप्रैशन एक फॉर्मूला हुंदा है, जिवें मान लो ए तुहानू दिता होया वा 7, बी तुहानू दिता होया 5, मैं बोलना कि सी इज़ इक्वल्स टू ए प्लस माइनस बी आ, तो तुहानू की ए दिता होया 7 प्लस माइनस बी दिता होया 5, प्लस माइनस माइनस हुंदे आ 7 - 5 = 2 आंसर होगा, ठीक है। तो इन्हां दे विचों असी एक सानू एक्सप्रैशन दिती है कि इसका तुसीं मुल फाइंड आउट करना। देखो हाँ जी, अगे शनाख्त करो इन्हां विचों किहड़े सी टोकनज हुंदे हन। हाँ जी, इन्हां विचों किहड़े सी टोकन हुंदे हन, इन्हां विचों सी टोकन हुंदे हन कॉन्सटेंट। ऑप्शन नंबर आड़ा इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, हाँ जी, कॉन्सटेंट की होंगे, इतने असी कॉन्सटेंट की गल की आ। कॉन्सटेंट तो वेरीएबल बारे तुम सुनिया होना, कॉन्सटेंट फिक्स रेंदे आ, वेरीएबल बदलते रहेंगे आ। हाँ जी, नैक्सट, इन्हां विचों किहड़े सी विच कीवर्ड नहीं होंगे। सी विच किहड़े कीवर्ड आ जिहड़े नहीं होंगे, साइज ऑफ। ऑप्शन नंबर ई इज़ द राइट आंसर। इस तों इलावा कॉन्सटेंट, मैन, ये सारे कीवर्ड होंगे आ सी दे विच। नैक्सट क्वेश्चन, सी विच दोहरे अर्थमैटिक ओपरेटर की गिनती किन्नी आ। हाँ जी, सी विच दोहरे अर्थमैटिक ओपरेटर की गिनती 5 आ। ऑप्शन नंबर उड़ा इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, अगे असी करते हैं ओपरेटर्स। ओपरेटर्स आ जिहड़े वो अर्थमैटिक ओपरेटर होंगे आ, जिवें प्लस माइनस, ठीक है, इस तरह के साइन होंगे कुछ, जिवें प्ल एडिशन हो गया, सबट्रैक्शन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, डिविजन हो गया, मॉडुलस ओपरेटर हो गया, जिसनों असं परसेंटेज बोल दें, ठीक है जी। तो हुण उन्हें पूछा वा कि हेठ लिखिया विचों केड़ा सी ओपरेटर्स नहीं है। तो उम्मीद करते हैं कि इसका आंसर तुसी अपने आप दवोंगे क्योंकि बहुत ईजी आ। तो इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ईडी, क्योंकि ये एक डॉलर का निशान बन रहा है इस तरह, ठीक है, तो ये कोई अर्थमैटिक ओपरेटर नहीं गा। नैक्सट क्वेश्चन, बाइनरी ओपरेटर विच किन्ने ओपरेंड्स होंगे आ। हाँ जी, बाइनरी ओपरेटर दे विच किन्ने ओपरेंड्स होंगे आ, 2 होंगे आ। ऑप्शन नंबर इस दे विच तुहाडा ऑप्शन नंबर उड़ा राइट आंसर रहेगा। दे विच किन्ने ओपरेंड होंगे आ, 2 होंगे आ, ठीक है, इस गल का तुसीं ध्यान रखना। नैक्सट क्वेश्चन, हेठ लिखे ओपरेटरां विचों किहड़ा रिलेशनज ओपरेटर नहीं है। हाँ जी, देखो उपर असी गल की है कि बाइनरी ओपरेटर आ जिहड़े 2 होंगे आ, इहदे विच जिहड़े 2 ओपरेंड जोड़े जाते प्लस की सहायता के नाल जोड़े जाते हैं, इस गल का तुहानू पता होना चाहिए। जिवें फॉर एग्जाम्पल असी गल करिए -a + b, ठीक है, ये होंगे आ ओपरेंड। नैक्सट, हेठ लिखे ओपरेटरां विचों किहड़ा रिलेशन ओपरेटर नहीं है। हाँ जी, इन्हां दे विचों किहड़े ओपरेटरां दे विचों रिलेशन ओपरेटरस नहीं है। तो इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर, हाँ जी, जिहड़े भी स्टूडेंट्स नूं पता, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर आड़ा प्लस। इन्हां ओपरेटरां दे विचों रिलेशन ओपरेटर नहीं है प्लस दा, ठीक है, बाकी सारे की है रिलेशन ओपरेटर आ। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन, मॉडुलस ओपरेटर का चिन्ह केड़ा है। मॉडुलस ओपरेटर का चिन्ह केड़ा है, प्रतिशत का, मैं तुहानू ऑलरेडी दस्या से स्टार्टिंग दे विच। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन, लॉजिकल ओपरेटर का एक होर नाम की है। लॉजिकल ओपरेटर का एक होर नाम आ, तो की नाम आ। हाँ जी, लॉजिकल ओपरेटर का दूसरा नाम आ बोलीन। ऑप्शन नंबर ईडी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, लॉजिकल नोट केड़ा ओपरेटर है। हाँ जी, लॉजिकल नोट केड़ा
ਓਪਰੇਟਰ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਓਪਰੇਟਰ ਹੈ ਜੀ ਯੂਨੇਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਊੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਹੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਯੂਨੇਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਕਿਉਂ ਬੋਲਿਆ ਜਿਹੜੇ ਓਪਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜੇ ਓਪਰੇਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਉਪਰੈਂਡ ਹੀ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਯੂਨੇਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਓਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਅਸਾਈਨਮੈਂਟ ਓਪਰੇਟਰ ਨੂੰ ਹੋਰ ਕਿਹੜੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੈੱਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ ਨਾਲ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਓਪਰੇਟਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਓਪਰੇਟਰ ਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਕਿਹੜਾ ਹੈ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆੜਾ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਦਾ ਕੀ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਸੇਮ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਠੀਕ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਪੇਜ 'ਚ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿੰਨਾ ਇਨਕਰੀਮੈਂਟ ਹੋਇਆ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਸੋਚਿਆ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਅਸੀਂ ਪਲੱਸ ਹੀ ਜੋੜਦੇ ਹਾਂ ਮਤਲਬ ਪਲੱਸ ਪਲੱਸ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਡਬਲ ਪਲੱਸ ਆਉਣਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਕਿਹੜਾ ਓਪਰੇਟਰ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਪਰੈਂਡ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿਹੜਾ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਹੀ ਓਪਰੈਂਡ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਉਸਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਯੂਨੇਰੀ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਆੜਾਈਜ਼ਰ ਈਡੀ ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੇਠ ਲਿਖਿਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਈਨਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜਾ ਬਾਈਨਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈ ਲੌਜੀਕਲ ਲੌਜੀਕਲ ਇੱਕ ਬਾਈਨਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਨਹੀਂ ਗਾ ਬਾਕੀ ਅਰਥਮੈਟਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਓਪਰੇਟਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕੀ ਆ ਬਾਈਨਰੀ ਓਪਰੇਟਰ ਆ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਸਟਰਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਕੁਝ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਮ ਸੀ ਕਿਊ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਟਰਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਪਲੱਸ ਟੂ ਦਾ ਇੱਕ ਮੇਨ ਟੋਪਿਕ ਆ ਸਟਰਿੰਗ ਫੰਕਸ਼ਨ ਖਾਲੀ ਸਟਰਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਟਰਿੰਗ ਬਾਰੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਸਟਰਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਸਟਰਿੰਗ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਈਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਇੱਕ ਸਟਰਿੰਗ ਬਣਦਾ ਵਾ ਉਹ ਸਾਈਨ ਆ ਜਿਹੜੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਅੱਖਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਨੰਬਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ ਕੌਮਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੋਰ ਵੀ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਿੰਨ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਡਬਲ ਕੌਮੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜਾਂ ਦੋਹਰੇ ਕੋਟੇਸ਼ਨ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸਕਦਾ ਇਹਨੂੰ ਡਬਲ ਕੌਮਾ ਹੀ ਬੋਲਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਸਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਪਯੋਗ ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਲਈ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਟੈਕਸਟ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਟੈਕਸਟ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਕੇ ਰੱਖਣ ਲਈ ਅਸੀਂ ਸਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਵਰਤਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਪਿਊਟਰ ਅੱਖਰ 8 ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਟਰਿੰਗ ਆ ਮੰਨ ਲਓ ਕੰਪਿਊਟਰ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੀ ਆ ਅੱਠ ਅੱਖਰਾਂ ਦੀ ਕੀ ਆ ਇੱਕ ਅੱਠ ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਿੰਗ ਆ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 8 ਅੱਖਰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 8 ਅੱਖਰਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸਟਰਿੰਗ ਆ ਸਟਰਿੰਗ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕਰੈਕਟਰ ਦੇ ਅਰੇਂਜ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ CH ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ ਕਿ ਖਾਲੀ ਸਟਰਿੰਗ ਦੀ ਲੰਬਾਈ ਕਿੰਨੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਈ ਉਹ 0 ਹੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 8 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹਰ ਸਟਰਿੰਗ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਡੈਸ਼ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਹਰੇਕ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ ਜਾਂ ਸਟਰਿੰਗ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਮਾਪਤੀ ਆ ਉਹ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਖਾਲੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਅਤੇ ਖਾਲੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਡਿਨੋਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੈ ਸਲੈਸ਼ ਪਾ ਕੇ 0 ਪਾਉਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਨਾਲ ਕਰੈਕਟਰ ਵੀ ਬੋਲ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇਹਨੂੰ ਹਾਂਜੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਸਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਲਟਣ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਨਿਮਨ ਲਿਖਤ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਹਾਂਜੀ ਸਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਲਟਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਹੜੇ ਫੰਕਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਆਪਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 7 ਇਜ਼ ਦਾ ਰਾਈਟ ਆਨਸਰ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਸਟਰਿੰਗ ਲੈਨ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇਕਰ ਇਸ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਵਾ ਸਟਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚਿੰਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ ਉਸਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਵਾ ਗਿਣਤੀ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਖਾਲੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਗੇ ਸਟਰਿੰਗ ਐਮ ਪੀ ਲਿਖਿਆ ਦਿਖ ਰਿਹਾ ਸਟਰਿੰਗ ਐਮ ਪੀ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕਰਦਾ ਵਾ ਅਤੇ 3 ਮੁੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰਦਾ ਜਿਵੇਂ -1, 0, 1 ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਆ ਕਿ ਸਟਰਿੰਗ ਨੂੰ ਉਲਟਣ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚਿੰਨ੍ਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਜਾਂ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਤਾਂ ਆਪਸ਼ਨ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇੱਥੇ ਆਪਸ਼ਨ STRREV ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਫੰਕਸ਼ਨ ਆ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਸਟਰਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੱਖਰਾਂ ਨੂੰ ਉਲਟਾ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਅਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਵੀ ਆਪਸ਼ਨ ਆ ਜੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰੀਏ ਕਿ ਸਟਰਿੰਗ ਦਾ ਐਲਾਨ
कैर गुणा दस वजो हुंदा है। ठीक है, कैर इत्थे सी आना है। तां उस स्ट्रिंग की लंबाई किन्नी हुंदी है जेड़ी एक्स द्वारा सही तौर पर प्रतिनिध की जा सकती है। तो इसका राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर आड़ा नौ हुंदी है, क्योंकि दस दे विचों असीं एक माइनस करके लिख देवांगे नौ। नैक्सट क्वेश्चन, निम्नलिखित विचों किहड़े इनपुट फंक्शन बॉश शब्द की स्ट्रिंग के लिए नहीं वरते जा सकते। हाँ जी, इन्हां दे विचों किहड़े इनपुट फंक्शन है जिहड़े बॉश शब्द की स्ट्रिंग के लिए नहीं वरते जा सकते? तो ये नहीं वरते जाते, किस दे विच नहीं वरते जाते? स्कैन एफ दे विच, ऑप्शन नंबर ई डी इज़ द राइट। किहड़े फंक्शन आ जिहड़े बॉश शब्द की स्ट्रिंग लई नहीं वरते जाते? स्कैन एफ आ जिहड़ा इस स्ट्रिंग नू पढ़न लई वरत्या जांदा वा। ठीक है, स्ट्रिंग नू पढ़न लई ए वाले इनपुट फंक्शन आ जिहड़े वरते जाते आ। स्कैन एफ वरत्या जाता, गैट्स वरत्या जाता, तो इस तो इलावा गैट केयर वरत्या जाता है। ठीक है, तो बाकी जिहड़े तुसीं देख सकते हो कि यह स्ट्रिंग दे लई नहीं, बॉश शब्द की स्ट्रिंग दे लई नहीं वरते जाते। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन, इन्हां विचों केड़ा सही है जेकर असी लिखते हाँ, हाँ जी जेकर असी लिखते हाँ स्ट्रिंग कॉपी जां कह सकते हैं स्ट्रिंग एम ई सी यानी कि स्ट्रिंग सी एम पी है जिहड़ा, यह की है दो फंक्शन की तुलना करता, तीन मुल वापस करता, थ्री वैल्यूज़ वापस करता वा ये। ठीक है, इन्हां विचों कहिंदा फिर केड़ा सही है जेकर असी लिखते हाँ स्ट्रिंग एस वन, एस वन तो इतने मिसटेक लग रही है, एस टू है। ठीक है, एस वन तो एस टू केड़ा मुल वापस हुंदा है, केड़ा मुल वापस हुंदा है इस दे विचों? तो इसका राइट आंसर होगा जी, हाँ जी जिहड़े भी स्टूडेंट्स नूं पता, तीन सैकेंड दिनी आ मैं तुहानूं कमेंट बॉक्स के लिखण दे लई। हाँ जी, इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सस्सा, ऑल ऑफ द अबव। नैक्सट क्वेश्चन, हाँ जी जेकर फंक्शन स्ट्रिंग कैट लागू हुंदा है, ठीक है इत्थे मैं लिख दिनी हाँ स्ट्रिंग कैट लागू हुंदा है एस वन एस टू ते, तो इन्हां दे विचों की वापस करेगा? तो राइट आंसर होगा जी इसका ऑप्शन नंबर आड़ा एस टू एट द एंड ऑफ एस वन, मतलब एस टू तो स्टार्ट होके एंड हो रहा एस वन तक। नैक्सट क्वेश्चन, फंक्शन स्टैंप की मोड़ेगा? हाँ जी, जेकर तुहाडे कोल सामने फंक्शन ए बी, हाँ जी ए बी सी डी, तो ए बी सी डी लिख दिता जाए, ठीक है समॉल अक्षर आ तो ये ए कैपिटल ही आ, इस तरह लिख दिता जाए तो यह की वापस मोड़ेगा? तो यह वापस मोड़ेगा जीरो, ऑप्शन नंबर आड़ा इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, स्ट्रिंग फंक्शन के नाल चिन्ह स्ट्रिंग ते केड़े निम्नलिखित काम नहीं किए जा सकते? हाँ जी, स्ट्रिंग फंक्शन के नाल स्ट्रिंग दे नाल केड़े स्ट्रिंग ते निम्नलिखित काम नहीं किए जा सकते? तो ये नहीं किए जा सकते जी, तुसी देख सकते हो ऑप्शन नंबर सस्सा इसका राइट आंसर है, एक स्ट्रिंग नू हटाउन दे लई नहीं किए जा सकते, बाकी स्ट्रिंग नू जोड़ना कापी करना मुकाबला करन दे लई किए जाते हैं। नैक्सट क्वेश्चन, स्ट्रिंग अंकों नू उन्हां दे पूर्ण मुल्लां विच बदलन लई इन्हां दे विचों केड़ा फंक्शन इस्तेमाल हुंदा है? तो राइट आंसर है जी ऑप्शन नंबर ऊड़ा। नैक्सट क्वेश्चन, स्ट्रिंग डैश का एक सार हुंदा है? हाँ जी, स्ट्रिंग किस का एक सार हुंदा है? चिन्हों का सार हुंदा है, ऑप्शन नंबर ऊड़ा इज़ द राइट आंसर। हाँ जी, नैक्सट क्वेश्चन, एक चिन्ह किन्नी बाइट स्टोर करता है? हाँ जी, एक चिन्ह केवल एक बाइट स्टोर करता है, ऑप्शन नंबर आड़ा इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, स्ट्रिंग फंक्शन लई केड़ी हैडर फाइल शामिल की जाती है? स्ट्रिंग फंक्शन दे लई केवल स्ट्रिंग डॉट एच हैडर फाइल शामिल की जाती है, ऑप्शन नंबर ई डी इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, स्ट्रिंग के अंत विच की इस्तेमाल हुंदा है? मैं तुहानूं ऑलरेडी दस चुकी हाँ खाली चिन्ह इस्तेमाल हुंदा है, ऑप्शन नंबर ऊड़ा इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, स्ट्रिंग की गिनती करने लिए केड़ा फंक्शन वरत्या जाता है? हाँ जी, स्ट्रिंग की गिनती करने के लिए इन्हां दे विचों केड़ा फंक्शन वरत्या जाता? स्ट्रिंग लैन, ऑप्शन नंबर सस्सा इज़ द राइट आंसर। केड़ा वरत्या जाता? स्ट्रिंग लैन। ठीक है, ये तुसी याद रखना इंपॉर्टेंट आ, इस स्ट्रिंग की गिनती करने लिए वरत्या जाता वा, इस तो इलावा स्ट्रिंग जिदे मगर कैट पाया होगा, ठीक है वो दो स्ट्रिंग नू आपस दे विच मिलाउण दे लई वरत्या जाता है। इस तो इलावा सी एम पी मैं तुहानूं दस चुकी हाँ मुल्लां की तुलना चिन्ह की तुलना करने के लिए वरत्या जाता जां तीन मुल वापस करता है। ठीक है, इस तो इलावा आर ई वी की जे असी गल करिए
जिहड़ा स्ट्रिंग आर ई वी आ ये की करता है, ये फंक्शन स्ट्रिंग विच अक्षरां नूं उल्टा करता है। नैक्सट क्वेश्चन, गैट केयर केड़ा फंक्शन है? हाँ जी, गैट केयर जिहड़ा इन्हां दे विचों केड़ा फंक्शन है, इनपुट फंक्शन है। ऑप्शन नंबर आड़ा इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, की स्ट्रिंग नूं कापी किया जा सकता है? हाँ जी, की स्ट्रिंग नूं कॉपी किया जा सकता? हाँ जी, बिल्कुल किया जा सकता। ऑप्शन नंबर आड़ा इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, हाँ जी नैक्सट है तुहाडे कोले इत्थे, नैक्सट क्वेश्चन दे विच तुहानूं पुछिआ गया कि स्कैन एफ, हाँ जी इत्थे स्कैन एफ आउणा, स्कैन एफ विच डैश वरतों हुंदी है। हाँ जी, स्कैन एफ दे विच किसदी वरतों हुंदी आ? प्रतिशत एस दी वरतों हुंदी आ। नैक्सट क्वेश्चन, किसे स्ट्रिंग नूं लोअर केस विच किहड़े फंक्शन नाल वरत्या जांदा है? हाँ जी, लोअर केस दे विच स्ट्रिंग नूं स्ट्रिंग एम पी नाल वरत्या जांदा है। ऑप्शन नंबर उड़ा इज़ द राइट आंसर। नैक्सट क्वेश्चन, स्ट्रिंग नूं सारे इकट्ठा प्रदर्शित करन लई किहड़ा फंक्शन वरत्या जांदा है? हाँ जी, स्ट्रिंग नूं इकट्ठा प्रदर्शित करन दे लई पुट्स दा फंक्शन वरत्या जांदा है। ऑप्शन नंबर आड़ा इज़ द राइट आंसर। हाँ जी, इस दे नाल ही साडी अज दी इह वीडियो खत्म हुंदी है। कल दी वीडियो दे विच असीं मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक यूजर डिफाइंड बारे कुछ इंपोर्टेंट एम सी क्यू करांगे। तो अज दी इह वीडियो तुहानूं किस तरह की लगी कृपा करके कमेंट बॉक्स दे विच जरूर दस देना। जेकर वीडियो चंगी लगी होवे तां प्लीज़ वीडियो नूं लाइक अते शेयर जरूर कर देना। धन्यवाद जी, थैंक्स फॉर वॉचिंग।